Miss Ali and Ashi. Happy रक्षाबंधन टू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स. आप सभी को हमारे तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो अभी हम लोग दादी के घर से नानी के घर जा रहे हैं. मतलब मम्मी के भाई को भी राखी बांधेंगी, मम्मी अपने भाई को राखी बांधेंगी और मौसी का बेटा भी आया जिसको हम बहुत सालों बाद हम मिलेंगे रक्षाबंधन के दिन और उसे राखी बांधने का हमें मौका मिलेगा. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी रुके हैं. मम्मी थोड़ा नाश्ता वगैरह लेने के लिए बाहर गई हैं. फिर हम निकल जाएंगे वहाँ, जाके मस्ती मजाक आपको हर चीज़ दिखाएंगे. तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा. इट मीन्स वॉच कंटिन्यू. हम लोग कौन कौन जा रहे हैं कि मैं, मम्मा, आशी और मेरी दादी के मम्मी पापा, मतलब आई थिंक हमारे परदादी लगेंगे. तो ये मम्मी नाश्ता ला दी थी गाड़ी में ही, बोली कि उतर के चलो 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 बोली. तो फिर हम लोग बोले नहीं जा सकते बाहर, बहुत धूप हो रहा है, गर्मी लग रहा है, बोलकर हम नहीं गए गाड़ी में. तो बोली इसलिए ज़्यादा नहीं लाना, थोड़ा सा ही लेकर आए रहना, तो फिर घर तो पहुँच जाएंगे, बोलकर मम्मी लेकर आई. और अभी फिर वहाँ से खाते खाते गाड़ी में ही फिर निकल गए अभी हम लोग घर के लिए. तो और भाई बार बार कॉल कर रहा है, बोल रहा है कहाँ तक पहुँचे हो, सच में आ भी रहे हो या नहीं. हम लोग बोल देते हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वीडियो कॉल करके बोलता है दिखाओ कहाँ तक पहुँचे हो, सच बोल रहे हैं झूठ बोलकर बार बार कॉल कर रहा है, वो भी वीडियो कॉल. दादी के मम्मी पापा के पैर धो रहे हैं और फिर हम लोग के घर के अंदर एंटर की, देखे कि कौन क्या क्या कर रहा है. तो मम्मी जाकर सबसे मिल रही हैं और मामा बोल रहे थे कि आ गए तुम लोग, अब वीडियोस बनाने वाले आ गए, अब हर जगह वीडियो 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 शुरू हो जाएंगी. और ये छोटी मीरा बहुत बदमाश है और इसे आशी गोदी करके देख रही थी. फिर मैं सोची चलो ये अंदर क्या कर रहा है इसको देखती हूँ. तो जाकर देखती हूँ तो इसको बेचारे को नींद आ गया है. फिर हम लोग ये थोड़ा क्योंकि दही पानी वगैरह पी कर ये हम लोग अभी मज़े कर रहे थे, तो वो बोल रहा था कितना लेट कर दिए दीदी, इतना लेट कर दिए, सब लोग पानी पी रहे हैं तो ये चटोरी अमूल चाटे जा रही है यम यम. और इधर किचन में आकर देख रहे हैं तो मम्मी ये कुछ सामान वगैरह लाए थे तो वो निकाल रही हैं मौसी के साथ. इधर नाना लोग बातचीत कर रहे हैं इधर अंदर बैठ के. फिर मैं ये बाहर जा रही हूँ तो देख रही हूँ कि यहाँ पर मामा और आशी वगैरह इन लोग बैठ खड़े होकर मतलब डॉगी को देख रहे हैं. इसको भी पहली बार बहुत दिनों बाद मेरे को देखा तो बहुत भौंक रहा था. ये बातचीत कर रहे हैं मम्मी लोग भी कि क्या क्या करेंगे, इतना लेट हो गया, कैसे हो गया, क्या वो सब बात कर रहे हैं. ये बदमाश दोनों का तो यही लगा रहता है जब भी इकट्ठा हो जाए मिल जाए, बाप रे बाप इनका दौड़ा इधर उधर दौड़ना ये सब शुरू, एक दूसरे को गोदी करना किस करना बाबा. फिर किचन आई तो देख रही हूँ अंकल और आंटी दोनों कुकिंग में लगे हुए हैं. तो अंकल को पूछे कि अंकल क्या बना रहे हो, तो बताए कि वही बता रहे हैं कि चिकन बना रहा हूँ. तो मैं वही पूछ रही थी कि आज तो रक्षाबंधन है, आज के दिन चिकन थोड़े ना बनाते हैं. तो वो बोले कि हमारे तरफ बनाते हैं, तो वही बना रहे थे. अंकल आंटी इधर किचन में लगे हैं तो बाहर मेरी छोटी सिस्टर मज़े में गाना गा रही है. तो वही मैं भी चलती हूँ उधर की क्या कर रही है. वाओ बहुत अच्छे. और एक बार और कोई गाना अच्छा. तुझे
बहुत प्यारे दोनों तैयार हो रहे हैं अभी, प्यारे प्यारे दोनों सिस्टर्स तैयार हो रहे हैं, और मामा जी लेकर उनका टेडी लेकर बस इनको बच्चों के खिलौने ही खेलने आते हैं। उनके फ़ोन में भी देखो तो बच्चों के गेम्स ही भरे होते हैं। ये सब तैयार होकर फिर मैं भी तैयार हो गई, फिर प्लेटिंग्स वगैरह भी सजा कर अच्छे से इन लोग को भी लेकर आई। गुस्सा हो जा रहे थे कि दीदी कितना लेट कर रहे हो, एक तो इतना लेट आए हो और ऊपर से और लेट कर रहे हो। तो इन लोग को बैठा कर ये फिर कौन पहले कौन बाद में बोलकर भी बहस हो जा रहा था। देखिए आजकल के भाई ऐसे होते हैं। दीदी रुकिए रुकिए, मेरा भी दूसरा वीडियो भी बनाना बाकी है। मतलब वो उधर से आंटी को फ़ोन देकर मैक्स टकाटक में वो वीडियो बना रहा था, दीदी ऐसे करिए वैसे। एक तो पहले नाराज़ होकर बोल रहा था नहीं बनवाऊंगा राखी, इतना टाइम कर दिया, एक तो लेट भी आए ऊपर से इतना लेट कर रहे हो, फिर बाद में फिर खुद बनवाया। फिर उसके बाद उधर छोटी बैठी हुई है, दीदी मेरे को डॉल वाली राखी बांध दो, ये कर दो, मेरे को नहीं बांध रहे हो, मैं पीछे हो गई हूँ। इधर आशी भी बोलती है दीदी मेरे को कब बांधोगी ये। फिर ऊपर से भाई भी बोलता है कि ये वाला बांधो, फिर उसके बाद ये वाला, सबके लगे हुए हैं एक के बाद एक। महारानी भी दीदी ये नहीं दूसरी वाली डॉल वाली लड़की, मतलब हर किसी की अपनी अपनी मर्जी चली है। फिर गुस्सा हो गया ना, तो ये अपने शेरू को, उसके शेरू को कोई डॉग बोल दे तो भी गुस्सा हो जाएगा, तो उसके शेरू को उनके पीछे छोड़ देगा, क्योंकि उनके अलावा उसके अलावा या अंकल के अलावा और किसी को पहचानता नहीं है ठीक से, तो वो सबको काटने के लिए दौड़ता है।
आशी बीच बीच में बोलती थी कि दीदी मेरे को नहीं आ रहा कैसे क्या करना है और क्या नहीं, तो मैं बोलती थी कि चलो कोई बात नहीं, छोटी है, इधर उधर मिस्टेक हो ही जाता है, छोटी वगैरह छोटा मोटा मिस्टेक हो ही जाता है, फिर भी कोई बात नहीं। तो बीच में रोने लगती थी, दीदी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मैं बोलती रोने से थोड़े ना होएगा, कैसे सीखोगी रोगी। तो आप ये देख सकते हो हम दोनों सिस्टर्स का लड़ाई लगा रहता है, मतलब हर चीज़ में लड़ाई हो ही जाती है छोटी मोटी। ओ बंदर की तरह टीका लगा दे रही थी गुस्सा की, मैं बोली उस छोटी को तो लगाई लगाई, मेरे को भी तो लगा दे रही है ऐसा, फिर खिला रही है तो भी वो गुस्से से खिला रही है क्यों मेरे को इतना लेट बांधी, ये की वो की बोलकर। का ये पहला रक्षाबंधन है अपने भाई को, वो भी राखी बांधने गई थी, उनका घर तो आपको पता ही होगा बहुत पास ही है, तो इसीलिए वो अपने भाई को राखी वगैरह बांध कर आ गई यहाँ पर कि हम लोग फ़ोन करके बुलाए अभी हम लोग भी राखी बांधेंगे आप लोग भी आ जाइए बोलकर, तो आए हैं ये। और ये मम्मी लोग को भी बहुत सालों बाद ऐसा मौका मिला कि तीनों भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन पे एक दूसरे को राखी बांध सके। तो उधर मेरा भाई आकर बोलता है मामा जी मिठाई खाओगे, तो मुँह पे खिलाने के लिए लग जाता है, बोलता है हाँ खिलाऊंगा। देख रहे हैं बार बार प्लेट में, मुझे तो लगा कि मामा बार बार मिठाई के लिए आ रहे हैं, वही सोच के मैं तो बहुत हंसी थी।
दादी को राखी बांधते हैं बोलकर, और दादाजी हंस रहे थे, बोल रहे थे कि सब कुछ आता है, सब मैनेज कर लेती हूँ बोलकर दादाजी बता रहे थे। उनकी तैयार भी होकर, वीडियो भी बनाकर, अलग से भी वीडियो बनाकर, रीडिंग भी करके, राखी वगैरह बांध के मैनेज करने का काम। बीच बीच में अपसेट हो जाती है, इमोशनल हो जाती है कि मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाई हूँ, कब ठीक होंगी, इन सब लोग आए हैं और मैं बैठे ही रहती हूँ, बाहर नहीं जा पाती हूँ बोलकर रोने लगती हैं। तो फिर हम सब मिलकर समझाते हैं कि नानी मत रोइएगा, अगले बार आएंगे तो तब तक ठीक हो गए होंगे आप, फिर आप तो फिर हम लोग को तो आप फिर घुमाने ले जाओगी बाहर, ये वो बोलकर फिर नानी को समझाते हैं कि डॉक्टर भी मना किए हैं रोने के लिए। बट आई नो कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरी नानी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे के जो भी मस्ती मजाक हैं वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। वाह, आने वाला जो वीडियो है ना वो सच्ची में बहुत फनी है, जिसे आप लोग देख के तो एक लाइक मार ही देंगे और सच में बहुत एंजॉयफुल भी है, तो देखना मत भूलिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो मत भूलना। तो मिलते हैं एक अगले धमाकेदार मस्ती मजाक फनी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय।